अस्सलाम वालेकुम ग्रेट सिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, हैविंग अ वेरी गुड डे। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इरेगुलर शेप्स। यू हैव टू फर्स्ट मेंशन डेट इन डे। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इरेगुलर शेप यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट कैन एंड मेयरिंग सिलेंडर। डिस्प्लेसमेंट कैन वो होता है जैसे पानी निकलता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कैन। स्टेप वन, फिल द डिस्प्लेसमेंट कैन विद वाटर अंटिल एक्सेस वाटर फ्लोज आउट ऑफ इट्स स्पाउट इनटू अ बीकर। रिमूव द बीकर व्हेन वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग इनटू इट। स्टेप वन में वो हमें बता रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट कैन लें जिसमें से इतना पानी डालें कि उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए, उसके सुराख में से, स्पाउट का मतलब है सुराख, एक और बीकर उसके नीचे रखें और उसको फिल कर लें जब तक एक्सेस पानी जो सा है, ज़्यादा पानी दूसरे बीकर में आता रहे, तो जब वो रुक जाए तो उसको साइड पर कर दें, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या करना है कि Place an empty measuring cylinder below the spout of the displacement can. जब एक्सेस पानी आना बंद हो जाए तो नीचे से ये बीकर हटा के एक measuring cylinder रख देना है, ठीक है, जिसके अंदर measuring इस तरह से लगी हुई हो, ये लिखी हुई होती है बीकर्स पे, measuring cylinders पे ये रखना है spout के नीचे, ताकि measuring हमारी जो मेयरिंग है वो आ सके, मेयरमेंट हमें नज़र आ सके। टाई द ऑब्जेक्ट विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। अब कोई भी आपने पीस लेने, कोई भी यहाँ पर रॉक लिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ ले लें और उसको पानी के, उसको एक धागे के साथ बांधे और पानी में डिप कर दें। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप किया जेंटली, तो स्पाउट में से फिर से पानी, एक्सेस पानी आएगा मेयरमेंट सिलेंडर में। टाई द ऑब्जेक्ट विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड लोअर इट जेंटली इन टू द वाटर अंटिल इट इज़ फर्मली इमर्स्ड इन द वाटर, यानी कि पूरा डिप हो जाए वो पानी के अंदर। थर्ड स्टेप में, व्हेन द वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग इन टू द मेयरिंग सिलेंडर, जब आपने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ पानी के अंदर डाला, तो पानी राइजेज अप, वाटर राइजेज अप एंड द एक्सेस वाटर स्टार्ट फ्लोइंग इन द मेयरिंग सिलेंडर। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड कलेक्टेड इन द मेयरिंग सिलेंडर। अब हमने ये करना है कि जौन सा नंबर आया है हमारे पास, मेयरमेंट आई है, उसको केयरफुली नोट डाउन करना है कि कितना पानी आया है सिलेंडर के अंदर, एक्सेस पानी आया है, उस पानी की मेयरमेंट को हमने ध्यान से देखना है और उसे नोट डाउन कर लेना। हमें ये पता चलेगा कि जो पानी बीकर के अंदर था, डिस्प्लेसमेंट कैन में था, वो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी डला हुआ है और मेयरिंग सिलेंडर के अंदर जो पानी है वो इक्वल है, वो बिल्कुल इक्वल होगा। और ये भी कि वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और मेयरिंग सिलेंडर के पानी का वॉल्यूम एक जितना है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेयरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज मेयरिंग ऑब्जेक्ट का था, उतना ही साइज मेयरिंग सिलेंडर में मौजूद पानी का होगा। इस तरह से हम इरेगुलर शेप्स की मेयरमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी इसके अंदर आपको। इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।